चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद में जिहादी साजिश का पर्दाफाश हुआ। खोड़ा में युवती के धर्मांतरण का मामला, न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव चैट की कॉपी है। राहुल से राहिल बने युवक ने युवती को उकसाया, धर्म परिवर्तन के लिए युवती का ब्रेन वॉश किया, ब्रेन वॉश के बाद युवती का धर्म परिवर्तन करवाया गया। तो युवती के धर्मांतरण की चैट जो है वो न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव है। आपको बता दें कि राहिल ने युवती को उकसाया था, धर्म परिवर्तन के लिए ब्रेन वॉश युवती का किया गया। तो ब्रेन वॉश करने के बाद धर्म परिवर्तन करवाया गया, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, राहुल से राहिल बने युवक ने युवती का धर्म परिवर्तन करवाया। गाजियाबाद के खोड़ा का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। गाजियाबाद में जिहादी साजिश बेनकाब हो गई है, जहां पर एक युवक राहुल से राहिल बनता है, जिसके बाद युवती के संपर्क में वो आता है और उसके बाद फिर उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। इस चैट के माध्यम से युवती का ब्रेन वॉश किया जाता है, उसको उकसाया जाता है, धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जाता है उसको। अब ये न्यूज स्टेट के पास एक्सक्लूसिव चैट सामने आई है। ये देख रहे हैं आप, ये चैट, ये वही चैट है जिसमें बातें चल रही हैं, जिसमें बातें हो रही हैं, लेकिन बातें धर्मांतरण को यानी कि धर्म बदलने को लेकर की जा रही हैं। उसको उकसाया जा रहा है, उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये जो खोड़ा से मामला सामने आया है, सबसे पहले तो इसमें क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई अब तक की गई है? देखिए, इस पूरे मामले के अंदर एक बड़े नेक्सस का खुलासा गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट पुलिस द्वारा किया गया है और तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राहिल जो पहला अभियुक्त है, जिसके द्वारा कड़ियां एक के बाद एक जुटती गई और दो अन्य लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम अब्दुल है और मुसीर है। शुरुआती तौर पर जो ये पूरा एक संगठन के रूप में ये गिरोह बनकर सामने आया वो मुसीर की वजह से आया। जो मुसीर है वो राहिल को पहले कोचिंग पढ़ाता था और राहिल का नाम पहले राहुल अग्रवाल हुआ करता था, यानी कि राहुल अग्रवाल हिंदू था जिसने धर्म कन्वर्ट किया, मुस्लिम में बना, वो भी मुसीर के कहने पर, क्योंकि मुसीर के पास वो कोचिंग पढ़ने जाता था और मुसीर ने उसका ब्रेन वॉश किया और उसके बाद उसे मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया और राहुल ने भी मुस्लिम धर्म अपनाया और उसके बाद अब्दुल्ला से मिलवाया। अब्दुल्ला इसमें बीच की कड़ी है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीडीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद क्लिनिक खोलकर बैठा हुआ था और इसी तरह से जो लोग हैं उनको कन्वर्जन का काम वो कराता था अपने क्लिनिक पर ही। तो अब्दुल्ला इसमें बीच की कड़ी रही, यानी कि मुसीर, अब्दुल्ला और राहिल। और राहिल ने जो खोड़ा निवासी युवती है उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसके साथ निकाह भी पढ़ा गया, वो भी ऑनलाइन निकाह पढ़वाया गया दिल्ली की एक मस्जिद से, जिसमें राहिल मौजूद था, उसके साथ ही वहां पर जो मौलाना थे वो मौजूद थे, अब्दुल्ला मौजूद था और इधर से दूसरी तरफ जो लड़की थी वो मोबाइल से निकाह कर रही थी। ये पूरी बात जब लड़की के परिजनों को पता चली, जो खोड़ा निवासी हैं, उन्होंने इसकी शिकायत गाजियाबाद के खोड़ा थाने में जाकर की और जब पुलिस ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की तो राहिल की गिरफ्तारी हुई। राहिल ने सब कुछ पुलिस को बताया किस तरह से ये पूरा नेक्सस चल रहा है और देश भर में ये नेक्सस चल रहा है। इसके कनेक्शन सीधे देवबंद से भी निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि देवबंद में फिलहाल अब्दुल्ला वहां रहकर मौलाना की पढ़ाई कर रहा था और अब्दुल्ला ने भी धर्म परिवर्तन किया था और अब्दुल्ला का जो पहला नाम था वो सौरभ था, सौरभ खुराना, यानी कि अब्दुल्ला ने भी धर्म परिवर्तन करने के बाद मुस्लिम धर्म अपनाया। और मुसीर जो था शुरुआती तौर से ही जो छात्र उसके पास पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि वो टीचर है, उनमें से सेलेक्टेड लोगों को वो सेलेक्ट करता था जो फाइनेंशियली कमजोर हुआ करती थी या मेंटली अपने धर्म को नहीं मानते थे, तो ऐसे लोगों को ये लोग चिन्हित किया करते और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश कर धीरे धीरे इस्लाम की तरफ उनको आकर्षित करते। बिल्कुल हिमांशु, और ये देखिए, ये कोई पहला मामला जो है वो सामने नहीं आया है, इससे पहले भी मामले सामने आ चुके हैं किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों को, लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेशर उनको बनाया जाता था, उन पर प्रेशर बनाया जाता था। लेकिन अगर हम बात करें तो चूंकि जैसा कि आप बता रहे हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं कि पहले ये हिंदू हुआ करते थे, ये मुस्लिम लोगों के संपर्क में आए और उसके बाद फिर इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, अब तक कितने लोगों को, चूंकि इन लोगों की वजह से जो अब्दुल्ला नाम आपने लिया है, बाकी अन्य जो नाम आपने लिए हैं, कितने लोगों को अभी तक इनकी ओर से ब्रेन वॉश किया जा चुका है? देखिए, कुल अगर कन्वर्जन की बात करें तो अब तक 7 लोगों का कन्वर्जन किया गया है, जिसमें से अब्दुल्ला खुद जो हिंदू थे वो मुस्लिम हुए, क्योंकि उनका नाम पहले राहुल हुआ करता था।
और सौरभ हुआ करता था, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं राहुल अग्रवाल, जिनका नाम राहिल हुआ, जो हिंदू थे वो भी कन्वर्ट हुए। मुसीर जो थे वो मुस्लिम थे शुरुआत से ही, और वो कोचिंग पढ़ाते थे, तो कोचिंग के अंदर बच्चों का सिलेक्शन किया करते थे कि किस बच्चे का ब्रेन वॉश करना है और कौन आसानी से धर्म परिवर्तन के लिए मान जाएगा। और जब ये दो अन्य लोग मुसीर के साथ मिल गए, तब इन्होंने युवती का धर्म परिवर्तन कराया, जो कि खोड़ा की रहने वाली है, उसने धर्म परिवर्तन किया। और इसके अलावा चार अन्य युवक भी हैं जिनका धर्म परिवर्तन अब्दुल्ला और मुसीर ने कराया, और मुसीर का एक कोचिंग के अंदर जो छात्र था अमर उसका नाम है, उसका भी कन्वर्जन कराया गया, और तीन अन्य जो युवक हैं उनका कन्वर्जन जो अब्दुल्ला है उसने कराया। यानी कि जो इनके आसपास के लोग थे जो कमजोर एक तरह से फाइनेंशियली हुआ करते थे या फिर अपने धर्म को ज्यादा नहीं मानते थे, उन लोगों को लेकिन